नानक मेहता का उल्टा चश्मा। कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद। भूख रहे पोपट में सोचे हो? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पोपट ला रहे ऐसे? भीड़े भीड़े बाहर निकाल। अरे अंदर छुप के क्या बैठा है, जल्दी बाहर आ। ओ भीड़े, स्त्री कर रहा होगा घर में बैठ के, बाहर निकाल। हाँ देखो देखो, सोसाइटी के सब लोग देखो, मेरी हालत को देखो, मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मैं क्या सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरता हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है? ये सरासर अन्याय है, मैं दुनिया हिला दूंगा। ओ पोपट की हो गया, अरे ऐसे कैसे खड़ा है यार? ए भाई, ए पोपट लाल, क्या हुआ क्या? ये क्या भभूती भभूती लगा के बाबा बन गया क्या? अरे ये साबुन है, साबुन साब। अरे बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी न्यू ईयर जेठा जी, साल के पहले दिन में हमारी सोसाइटी में शांति नहीं है। बराबर है भाई, है क्या है, नए साल के पहले दिन ऐसा भैया क्या चिलम चिली हो रहे है? अरे पोपटलाल, नए साल में क्या कपड़े त्यागने का प्रण लिया है क्या? अरे जेठालाल, साल का पहला दिन है तो क्या मैं चुप बैठूं, मौन व्रत धारण कर लूं, मुंह पे पट्टी बांध के मेरे खिलाफ ये जो अन्याय हो रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? भाई ये सरासर अन्याय है। गोकुल धाम के भाइयों बहनों, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, मैं विद्रोह करूंगा, तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा। ए भाई, पहले नहा के ढंग के कपड़े पहन के फिर दुनिया हिलाना। अरे ढंग के छोड़ो, कैसे भी कपड़े पहन ले अभी तो। हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता। सही कहा रोशन, और चंगा लग रहे। अरे चाचा जी, ढंग से नहा नहीं पाया हूँ इसीलिए तो आधा नहाया बाहर आया हूँ मैं। अरे पोपट भाई, क्या हुआ, हुआ क्या, क्या हुआ? अरे भाई हम सब वही पूछ रहे हैं दया। हाँ ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पता चलेगा। और पोपट, तेरा साबुन खत्म हो गया क्या? और हमारे पास बहुत साबुन पड़े हैं, रोशे अंदर से इसको साबुन ला के दे दे। लाऊं? अरे सॉरी भाई, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो, मेरे पास साबुन है ना। बाबर लाल, कौन सा साबुन चाहिए बोलो। अरे भाई साबुन खत्म नहीं हुआ। अरे पोपट भाई, नियर के पहले दिन आप ऐसे बुमा बुम मत कीजिए। वो भी बोल चुके हैं, कुछ नया बोल भाई। सॉरी, जरा सीधे सीधे बताएंगे तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। चल ना बोलना भाई, क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ भाई बबीता जी, मैं सीधा सीधा ही बताता हूँ। और दया भाभी, नए साल के पहले दिन हंगामा करने में मुझे मजा थोड़ी आ रहा है। भाई मैं नहा रहा था और अचानक पानी खत्म हो गया। अरे क्या पानी पानी कर रहे हैं भाई? अरे पोपट को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? चकली जितना तो पानी चाहिए। चकली होता क्या है? तो तू हंसा क्यों? और यार तुम सारे हंस रहे थे तो इसलिए मैं भी हंसा यार। तुम खेलो जी, खेलो लो। फिरू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है, उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। नया कुत्तों में हाव भाव नहीं होते, सिर्फ भाव भाव होता है। अरे जेठालाल, अभी भाव भाव किया ही कहा इसने, अभी तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अब इसको प्राणियों में भी दुल्हन नजर आ रही है। तुमने नई नवेली दुल्हन देखी है? कब? जेठालाल मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं औरों की शादी में तो गया हूँ ना। औरों की शादी में जाके दूसरों की दुल्हनें देखते? नहीं मेहता साहब, मैं सिर्फ उनके भाव भाव देखता हूँ। मेरा मतलब है उनके हाव भाव देखता हूँ। नट्टू काका, अय्यर भाई, जेठालाल साहब, ऐसे कैसे मेरे नाम के गुणी नहीं है? आप सबके नाम के गुणी है, सिर्फ मेरे नाम के गुणी नहीं। अय्यर भाई, आप गेहूं नहीं खाते फिर भी आपके नाम के गुणी है, बस मेरे ही नाम की नहीं है। अरे अरे, ये तो पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। माना कि मैं कुमारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन गेहूं तो मैं भी खाता हूँ ना।
क्या कुंवारे इंसान को आप लोगों की तरह गेहूं की गुनी पाने का अधिकार नहीं है? रिलैक्स पोपटलाल भाई, आप हमारे गुनी रख लो। नहीं कोमल भाभी, मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए। सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और वहाँ तो नाम भी नहीं है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा है मेरा नाम? वो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना इसलिए। जेठालाल, शादी का गुणी से क्या लेना देना, शादी का तो गुणों से लेना देना होता है। नहीं नहीं पोपटलाल, क्या है कि गोनी स्त्रीलिंग है ना, और असल में मेरे ख्याल से किसी स्त्रीलिंग पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। मजाक मजाक मजाक, बस हर वक्त मेरी शादी को लेके आप लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है मेहता साहब, अगर आपके नाम की गुनी नहीं निकलती ना, तब आपको पता चलता कि यहाँ कैसे फील होता है। क्या भाई, क्या चल रहा है ये? भिड़े क्या है भाई पोपटलाल? मैं सुबह सुबह ऐसे क्यों बात कर रहे हो, थोड़ा उत्साह रखो। नहीं, आज मेरा उत्साह उपवास है। क्या? नहीं कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, बोलो क्या काम है? काम में वो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, क्या भाई सामने गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग पत्रकार पोपटलाल जी। अभी दूसरा काम? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भाई भिड़े, तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी नहीं है। पोपटलाल, मैं जानता था सुबह सुबह तुम यही चालू करोगे। ओ भाई, ऊपर वाले की दया से तुम्हारी शादी हो गई ना, इसलिए ऐसे होशियारी मार रहे हो। अगर मेरी तरह कुंवारे होते ना, तो पता चलता मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होती। अगर मैं कुंवारा होता भी तो तुमसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती मुझे? तुम्हारे सर पे बाल नहीं है ना। तो भगवान की दया से मेरे बाल तो अभी तक पूरे हैं, लेकिन तुम्हारे बाल कम है, कोई रिश्ता ही नहीं आता। हाँ, लेकिन हकीकत में मेरी शादी हो चुकी है पोपटलाल, और कुछ सालों बाद मेरी सोनू की भी शादी हो जाएगी। ओ भाई मजाक कर रहा हूँ, उसमें इतना हर्ट क्या हो रहा है? मैं हर्ट हो रहा हूँ? अच्छा बोलो काम क्या है भाई? काम वो, पूरी लिंक तोड़ देते हो तुम। क्या है, मैं बता रहा था कि मेरी पत्नी नहीं है, तो रोज खाना मुझे बनाना पड़ता है, और खाने में सब्जी की जरूरत पड़ती है, तो मैं सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जा रहा था। हाँ तो जाओ। तो उतने में मेरी तुम पर नजर पड़ गई, तो मुझे पता चल गया कि अब मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पोपटलाल लिखित नहीं भाई भिड़े, पैसे लेने पड़ेंगे, पैसे के लिए मना मत करो। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी, ताजी ताजी सब्जी। बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आ जाइए, सब आ जाइए फटाफट भाई, सब्जियां आ गई है, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां। अरे आइए आइए, क्या बात है, कमाल है पोपट भौजी। जनरली लोग अपने नाम के पहले श्री श्रीमान मिस्टर लगाते हैं, और आप अपने नाम के आगे कवारा लगाते हैं। पर एक बात तो है पोपट भौजी, क्या मस्त सब्जी लेके आए, एकदम फ्रेश। खरे खरा पोपट भाई, आप सारी सब्जियां चुन चुन कर लाते हो। आप जैसी सब्जी लाते हो ना पोपट भाई, वैसा कोई नहीं लाता है। थैंक यू। हाँ देखो ना कितनी ताजा सब्जियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खेतों से लाई गई हो। पोपटलाल भाई, आप तो सब्जी किंग हो, सब्जी किंग। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। थैंक यू। मेरा कितना हुआ? अगर आपको एतराज ना हो तो आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ पूछो। आपकी शादी हो गई है? हाँ क्यों? नहीं नहीं ऐसे पूछ रहा था, लगता नहीं है। आपके सब्जी के 120 रुपए हुए। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी आइए आइए आइए। आलू कितने रुपए किलो दिए? आलू, अरे सिर्फ आलू क्यों, इतनी सारी सब्जियां हैं, और सब्जियां भी लीजिए आप, टमाटर लौकी बाकी सभी सब्जियां ले जाइए। घर में अपने पति और बच्चों को सूप बनाकर पिलाइएगा, इस मौसम में अच्छा रहता है। मेरी शादी नहीं हुई है क्या? हाँ आप बताइए ना, आलू कैसे दिए? फ्री। अरे आप आलू फ्री में ले जाइए। नहीं नहीं फ्री में क्यों, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, अगर देना ही है तो अपना दिल दे दीजिए। देखिए
myself गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल, इन दिनों सब्जियां बेचता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। ये पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ मेरा खुद का फ्लैट है 2 BHK। और मुद्दे की बात, मैं अभी भी कुआं रहा हूँ, तो अगर आप हाँ कहें तो क्या हम शादी के बंधन में? पसी मतलब पसी। अरे सब्जी ले लो सब्जी। भाई बिड़े बच्चे अब तेरे स्टूडेंट नहीं रहे। वो भले ही मेरे स्टूडेंट नहीं है लेकिन मैं खुद को उनका शिक्षक मानता ही हूँ, जैसे तुम अपने आप को एलिजिबल बैचलर मानते हो ना वैसे। अरे मानते हो मतलब क्या भाई, मैं हूँ एलिजिबल बैचलर। एक मिनट, ये देख मेरे ब्यूरो से फोन है। वो मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए, रिश्ते के लिए है। सुन स्पीकर पे रखता हूँ। बोलिए काव्या जी, कैसे याद किया? पोपटलाल जी ये आपने क्या कर दिया? क्या क्या हुआ, मैंने क्या किया? अरे आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। क्या बताना चाहिए था, हुआ क्या बताइए ना। सुबह से हमारे फोन की सारी लाइनें बिजी हो गई हैं, ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं, हम सबको जवाब देते देते थक गए। अरे आप जरा प्लीज बताएंगे डिटेल में कि क्या हुआ है? चमत्कार है? हाँ, हमारे मैरिज ब्यूरो में आज तक एक दिन में इतनी इंक्वायरी कभी नहीं आई जितनी आज आपके लिए आई है। क्या? हाँ, ये सब कौन बनेगा करोड़पति का चमत्कार है, सब सिर्फ आपके बारे में ही पूछ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, आप सबको मैरिज ब्यूरो बुला लीजिए, मैं अभी तैयार होकर मैरिज ब्यूरो पहुँचता हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल जी, अब आपको लड़की देखने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी लड़कियाँ आपको देखने आएगी, आप देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो। थैंक यू काव्या जी। पोपटलाल जी, जैसे ही बात आगे बढ़ती है मैं लड़की वालों को आपके घर भेज दूंगी ताकि बात सामने सामने पक्की हो जाए। हाँ, लेकिन जरा पहले फोन कीजिएगा ताकि तैयारी करने का टाइम मिले। जी जी श्योर, बाय बाय, थैंक यू। देखा देखा नहीं सुना? हाँ वही सुना। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल, क्या बात है, इतनी सारी लड़कियों की इंक्वायरी आई तुम्हारे लिए, वाह वाह वाह। अच्छा कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक बोलना छोटे भाई को। क्या? छोटे भाई के लिए ये बड़ा भाई हाजिर है। अस हाँ, चल 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 बेटा मैं निकलता। ओके बाय। भगवान इस बार हमारे पोपटलाल का रिश्ता तय कर ही देना प्लीज। मजा आ गया। अरे वाह, ये केले ये अंगूर ये अपने अपने परिवार के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन है KBC में दिखने के बाद बहुत जल्द मेरी शादी होगी और मेरा परिवार भी आप लोगों के परिवार की तरह फलेगा फूलेगा, मतलब इतना बड़ा नहीं अंगूर जी, इतना ठीक है। अरे आज का राशिफल तो देखा ही नहीं। क्या कहता है आज का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए? आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। अरे वाह, उनके सब सपने आज पूरे हो सकते हैं। अरे वाह, कन्या राशि के कुंवारे वर और वधु को उनका जीवन साथी मिलने के आसार हैं। अरे वाह 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 वाह, राशिफल भी यही कह रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में? सदी के महानायक के साथ इस सदी के कुंवारे को देखकर बहुत सारी सुकन्याओं का दिल मुझ पर आ गया होगा। अरे मैरिज ब्यूरो वालों ने भी यही कहा है कि रिश्ते के लिए बहुत फोन आ रहे हैं। पक्का पक्का आज मेरी शादी का सपना पूरा होकर रहेगा और इसी दरवाजे से मेरे घर में मेरे दिल में मेरे सपनों की रानी की एंट्री होगी और मुझ पर दरवाजा खोलते खुशियों की बारिश होगी। अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अंगूठी पहनाने के लिए मैं इस अंगूठी को जरूर पहनूंगा। प्लीज फटाफट मेरे लिए अंगूठी ऑर्डर कर देना। अभी कर देता हूँ पोपट भाई। एक लड़की है लाजवंती, उसकी एक लड़के से बात चल रही है। अच्छा, लेकिन जब उसका रिश्ता तय होने वाला था उसने आपकी फाइल भी देखी। अच्छा हाँ, और वो पत्रकार बनना चाहती है। ओ, और आप भी पत्रकार हो
इसलिए उसको आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट है। आप 11:30 बजे भाग्य मिलन होटल में पहुँचिए। लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं उसे बोल देती हूँ रेड कलर की ड्रेस पहन के आए। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, कमाल कर दिया तूने। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा रिश्ता तय हो ही जाएगा। थैंक यू थैंक यू। अब्दुल, हाँ, जरा मेरा फोन ये चार्जिंग पे लगा देना। हाँ, ला ला ला, मैं ही लगा देता हूँ। ये क्या बात हुई है? अभी तक इस जुगत में रहते थे कि फोन दूसरों का इस्तेमाल करो, अब बिजली भी दूसरों की खर्च करवाओगे? अरे ऐसी बात नहीं है मेहता साहब। तो कैसी बात है? अरे भाई, अभी मैं घर से निकला सोडा की दुकान पर आने के लिए, तब पता चला रास्ते में कि फोन की बैटरी लो है। और वो कहते हैं ना कि जब मोबाइल की बैटरी लो हो तब फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशन से इंसान के दिमाग पर असर हो सकता है, कानों पर असर हो सकता है। और आप सब तो जानते हैं कि मैं अभी कुंवारा हूँ। मैं इतनी कम उम्र में अगर मेरे दिमाग पर असर हो गया, मैं बहरा हो गया, तो मुझ पागल बहरे से कौन शादी करेगा? हाँ बराबर है भाई, अभी तो इनसे शादी करने के लिए लड़कियाँ पड़ा पड़ी कर रही है। और हाथी भाई, कुछ कुछ लड़कियाँ तो अपने अपने पतियों से तलाक ले रही है। नहीं, हमको तो इनसे ही शादी करनी है। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई? अरे भाई मुबारक हो पोपटलाल। हाथी भाई, जेठालाल, ये तलाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता गाड़ी तुम्हारे नसीब में हो। तो हो सकता है गाड़ी के साथ लाड़ी भी मिल जाए। लाड़ी मतलब? मतलब लड़की शादी के लिए। वो भी रामसन कंपनी वाले दे रहे। अरे रामसंग कंपनी वाले लड़की कैसे देंगे भाई? ठीक है आऊंगा भाई, मैं भी स्त्री खरीदने तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। हाँ लेकिन पोपटलाल, एक स्त्री आती है 1.5 या 2 हजार में, और कूपन चाहिए तो कम से कम 5 हजार की खरीदी तो करनी पड़ेगी, बरोबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उस हिसाब से तुम्हें कम से कम 3 स्त्री खरीदनी पड़ेगी। 3 स्त्री? अरे 3 स्त्री का मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और भी तो खरीद सकता हूँ। चलेगा, मैं तो बता रहा हूँ कि खरीदी 5 हजार की होनी चाहिए। हाँ हाँ, अरे भाई गाड़ी और लाड़ी जीतने का मौका मिल रहा है तो इतना खर्चा तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ तो ये भाई, कार्ड से तुम बोलो उतना पेमेंट मैं ऐसे करके दे दूँ, तो फिर दे दो। देखिए दोस्तों, मैं अब्दुल की दुकान को साक्षी मानकर आज ऐलान करता हूँ कि एक बार आप लोग मेरी शादी करवा दीजिए, आप सबके लिए मेरी तरफ से आजीवन सोडा फ्री। ओहो हो, आजीवन? अरे डोंट वरी पोपटलाल, तुम्हारा शादी हो जाएगा। अरे लेकिन कब? पोपटलाल तुम चिंता मत करो, आजकल तो शादी लोगों की 50-60 साल की उम्र में भी हो जाती है। 50-60 साल? आती भाई, अरे भाई 50-60 की क्या बात कर रहे हो, विदेश में तो 70 साल की उम्र में लोग शादी भी करते और बाप भी बनते हैं। है। ओ, 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 फिर तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है पोपटलाल। हाँ 5-7 साल है। अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल भाई तुम तो सीरियस हो गए। हाँ पोपो, अच्छी तो तेरे नाल मजाक कर रहे थी, तू ऐसे क्यों सीरियस हो गए यार? अरे पोपटलाल तुम तो ऐसे उदास हो गए, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। और सॉरी पोपटलाल, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, हमारा मकसद तुम्हें दुखी करने का नहीं था भाई, सॉरी। सही बात है, हम लोग तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। और नहीं था क्या पोपटलाल, तुमको किसी का भी उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं। तो भाई मैं भी मस्ती कर रहा था, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं तो मैं नहीं उड़ा सकता। मजाक आप लोग ही कर सकते हैं। लाकर सिर्फ शादी वाली बात सीरियस थी। मैं सब लोग आज मेरे खाते में सोडा पियो और मेरे लिए प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। हाँ भाई हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, अभी घर जाते हैं भाई, लेट हो गया, सो जाते हैं, चलो। हे ईश्वर, मुझ पर हमेशा इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस साल का पहला बड़ा और मेरा पसंदीदा त्यौहार होली तो मैंने अकेले मना लिया, लेकिन बाकी त्यौहार मैं अकेले नहीं मनाना चाहता, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक सुंदर सुशील कन्या जो इस घर की लक्ष्मी बनेगी, आपने जहाँ कहीं भी छुपा के रखा हो उसे भेज दीजिए ताकि मेरी शादी हो जाए।